Many people have suggested me that we should clarify on the concept of Paramatma, Atma and Jeevatma so that they can understand well whatever we are talking about the universe or the creation and many other things which we are discussing. So in this episode we will try to make it clear to clarify the concepts of Paramatma, Atma and Jeevatma, okay, so that things can be more clear to them. Sarvaji, Jeevatma, Atma, Paramatma aur mein ek baar log aur clear kar dijiye taki aage hum jo kuch bhi baat cheet karte hain, theek hai, wo unko jyada samajh mein aa sake, jyada clear ho. Maine ye Jeevatma aur Atma aur Paramatma इस विषय में जब व्यक्ति की जिस वक्त दर्शन होता है अपने स्वरूप का, उस वक्त दर्शन में वहाँ पर नाम नहीं होते, मगर एक एक आकार और एक स्वरूप होता वहाँ पे. तो उस स्वरूप में स्थिति अलग अलग है. जीवात्मा जो चतुर्भुजा है, जिसे हम शास्त्र जीवात्मा कहती है, हम शास्त्र का सहारा लेकर के हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवात्मा किसे कहते हैं. हम साइंस का भी सहारा लेकर के समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवात्मा किसे कहते हैं. तो अगर जीवात्मा साइंस की दृष्टि से फोर डायमेंशन है, तो हम शास्त्र की नज़र से हम जीवात्मा को ये कह रहे हैं कि जीवात्मा चतुर्भुजाकार है. नहीं, साइंस में तो जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा है ही नहीं. हाँ, है ही नहीं उसमें. साइंस नहीं में तो है ही नहीं, साइंस में नहीं. मगर साइंस एक एनर्जी को बोल रही है कि वो फोर डायमेंशन है. साइंस जो है जी, वो एक एनर्जी को बता रही है फोर डायमेंशन है, और फिर एक दूसरी एनर्जी को बता रही है कि वो 10 डायमेंशन है. तो वो ये चीज जो साइंस बता रही है, तो इधर साइंस के अनुसार तो कोई भी वस्तु हो, ब्रह्मांड की कोई वस्तु हो, ठीक है जी, वो 10 डायमेंशनल है. हाँ, ठीक है. कोई भी वस्तु है वो साइंस कहती है 10 डायमेंशनल है. जहाँ तक स्टीफन हॉकिंग को हम पढ़ेंगे, हाँ, तो वो या और भी हाँ थियोरेटिकली जो फिजिसिस्ट हैं, हम ग्रैंड डिजाइन में हम देखते हैं, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 10 डायमेंशन है और एक डायमेंशन समय का है. समय का है, ठीक है. मुझे तो हाँ, तो उनकी ये स्थिति है, ठीक है. अब वहाँ पे ना तो वो जीवात्मा की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा इन सब नहीं, तो बात ही नहीं करते नहीं करते. मगर न किसी चेतन शक्ति की बात करते हैं, नहीं करते, नहीं करते. तो वो तो डेटा को लेके जो वो हाँ जो करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं या जो कुछ भी वो एनालिसिस वो कहते हैं, उसके आधार पे वो चीजें रखते हैं सामने, ठीक है ना. तो मैंने भी उसी को अगर समझाने का प्रयास करें तो हमें जीवात्मा शास्त्र का सहारा ले, तो जीवात्मा जहाँ पे जीवात्मा का शास्त्र में नाम आता है उसे, उसको हम कह रहे हैं कि जिसकी चतुर्भुजा है, जो लेटी हुई स्थिति है और जो आगे की तरफ एक भाग में रिक्त होकर उसमें वो चेतन है, वो फूलती है और फिर सिकुड़ती है. उसमें जो दो केंद्र बिंदु है उसके, वो उनमें ये होता है. तो हमने समझाने हेतु वहाँ जिस वक्त दर्शन हो रहे थे, सामना सामना हो रहा होता है, आमने सामने में ये चीज वहाँ नाम नहीं आ रहा है, तो इसलिए अब नाम नहीं आ रहा है तो उसको कैसे कह करके संदेश दिया जाए. अच्छा, यदि हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लें, एक रेफरेंस ले लेते हैं, जैसे आप मुझे ले लें, अपने आप को ले लें, ठीक है, अपने आप को ले लें जी, आप, ठीक है जी. कि आप, आपकी स्थिति क्या है, जीवात्मा की स्थिति है या आत्मा की स्थिति है और या परमात्मा की स्थिति है, और जो तीनों स्थितियां कैसे कैसे आपके अंदर ही. अच्छा, मेरे अंदर ही कैसे हैं? तो ऐसा है कि जो मैन पहली स्थिति है वो है जीवात्मा की. जैसे जीवात्मा नाम दिया, तो जीवात्मा की पहली स्थिति चतुर्भुजाकार है. वो स्थिति हमारे अंदर अवेलेबल है, हमारे अंदर में है, अंदर में है, बाहर में है, सब जगह है. वो सब जगह है, ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर है, मगर हमारी जो स्थिति है वो अंदर में है, आपके तो अंदर है, बाहर भी है, बाहर भी है. और जो सेंटर में अंदर बाहर को जो डिवाइड करता है, वो डिवाइडेशन में भी है. अच्छा, वो वहां पर भी है. मगर सवाल ये खड़ा होता है कि ये स्थिति स्पष्ट कैसे होती है. तो स्पष्ट ये अंदर में होती है. अच्छा,
अंदर में होती है, क्योंकि ये आइटम बहुत गहराई का है, ये गहराई में स्पष्ट होती है। उस गहराई को आप अंदर बोलते हो, उस गहराई को अंदर हम बोलते हैं कि अंदर में होती है, गहराई में स्पष्ट होती है। तो जीवात्मा वहाँ है, गहराई में, बेस में है, मूल में है, तो वहाँ बेस में जीवात्मा है, मगर जीवात्मा वहाँ पर है। अब जीवात्मा के रहते फिर ये आत्मा और परमात्मा ये फिर कहाँ है शरीर में? तो जो अंडाकार स्थिति है उसी जीवात्मा की एक अंग अंडाकार है, आप अंडों का झुंड है, इसे हम आत्मा कहते हैं। ये साकार से निराकार हो रहे हैं, निराकार से साकार हो, इसे हम आत्मा कहते हैं। आत्मा कहकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और उसे हम जीवात्मा कह करके जो आगे की तरफ है लेटी हुई है उसे हम जीवात्मा कह करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर अब परमात्मा की स्थिति है, वो अंडे भी तो आपके अंदर हैं और जीवात्मा भी आपके अंदर है, बाहर है, सब जगह है। अब सवाल ये उठता है कि क्या परमात्मा क्या कौन सी स्थिति है? तो परमात्मा एक ऐसी स्थिति है कि जो अंडे को बाहर से ऊपर की ओर स्थित होकर के वो नीचे की तरफ अंडाकार जब स्थिति अपनी गति से और अपनी उसमें प्रकाश भी है, गति भी है, प्रकाश भी है, जिससे शक्ति उत्पन्न होती है, तो गति से शक्ति है, प्रकाश है और शब्द हो रहा है वहाँ, एक उसी में एक शब्द हो रहा है, उसे ओम भी कहते हैं। ओम कह रहे हैं मगर ठीक है, उतना तो बढ़िया नहीं है ओम, वो ओम स्पष्ट नहीं बोल पा रही है वो स्थिति, मगर वो शब्द उसमें एक हुंकार तो हो ही रही है, हुंकार हो कि हाँ हूं, और जब गति पकड़ लेती है तो ये कि उसमें ना कोई ओम ना कोई कुछ नहीं, ना कोई उसमें, बस प्रकाश ही प्रकाश है उसकी लाइन में, रेखाएं अलग अलग हैं उसकी। जिसे शास्त्र अगर हम देखें तो साकार और निराकार में हमेशा शास्त्र बात कर रहा है मगर आकार में बात नहीं करता, और आकार परमात्मा की स्थिति है। तो आकार से हम इतने बड़े हुए हैं, परमात्मा की शक्ति मेरे पास में है, मैं चल लेता हूँ, बोल लेता हूँ, देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ, शक्ति मेरे पास है, इसका मतलब परमात्मा का रूप, शब्द मेरे पास है, मेरे आवाज़ आ रही है। तो उसमें परमात्मा के ये उनमें जहाँ हो रही ये तीन चीज़ें हैं, तो ये हमारे अंदर में इस वक्त हैं। और जब ये परमात्मा अगर उस अंडे के ऊपर स्टॉप हो जाता है तो नेगेटिव पॉजिटिव और गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंडों में जो है ना विरोधाभास हो जाता है, तुरंत ही रुकने में वो अपने विरोधाभास शुरू हो जाता है, तो हम मर जाते हैं, लाश पड़ी रहती है, मगर जिंदा है मतलब आत्मा तो है जी। मगर वो चल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, ये चीज। तो यहाँ पर ये चीज जो स्पष्ट की है, अब मैं ये चीज दोबारा हमने स्पष्ट करी है कि इस चीज ने सिर्फ समझाने के लिए। तो आइंदा से जब कभी आप कोई चीज देखें तो इनको जोड़ के रखें कि हम जीव आत्मा किसे कह रहे हैं, आत्मा हम किसे बता रहे हैं, और हम परमात्मा किसे बता रहे हैं, और उनके गुण क्या बता रहे हैं। क्योंकि जीव आत्मा में जो तीन उसकी भुजाएं हैं वो लिक्विड भरा हुआ है, वहाँ किसी तरीके का कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए वहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि वहाँ इतना अंधकार हो कि कोई चीज दिखाई ना दे रही हो। वहाँ पर अंधकार भी एक स्थिति में स्पष्टीकरण होता है, ये चीज आप ये चीज बिल्कुल ध्यान में रख लें कि अंधकार जो डार्कनेस बात कर रहे हैं ब्रह्मांड के अंदर, वहाँ एक स्थिति है, और दूसरी स्थिति अंडाकार में जब वो जो साकार से निराकार कन्वर्ट हो रहा है वहाँ पर भी किसी तरीके का प्रकाश नहीं प्रकाश। तीसरी स्थिति जब परमात्मा की है वो भी ऊपर रुका हुआ है मगर अभी उसमें प्रकाश नहीं है। प्रकाश जब होएगा जब वो अंडे को नियंत्रण करेगा और अपनी गति पकड़ेगा, शक्ति पकड़ेगा और आवाज पकड़ेगा, उसी वक्त उसमें एक वाइटनेस सफ़ेद तरीके का प्रकाश होता है। यहाँ प्रकाश की उत्पत्ति तो हुई है मगर यहाँ तीन पोजीशन में अंधकार जो चला गया, जो डार्क एनर्जी है वो चीज़ स्थित है। तो इसलिए मैंने एक बार फिर कहूँगा कि 93% जो है पूरे कंप्लीट ब्रह्मांड में हम ब्रह्मांड की सौर मंडल से बात नहीं कर रहे हैं, हम ब्रह्मांड उसको बोलते हैं कि ये भी स्पष्ट कर दें कि हम ब्रह्मांड जब हमारे मुँह से शब्द आता है तो हम ब्रह्मांड उसे बोल रहे हैं कि
जिसके अंदर सौर मंडल, आकाश गंगाएं, ब्लैक होल या बड़े बड़े सौर मंडल, आपको कोई जरूरी नहीं कि आप 14 ग्रह 9 ग्रह लेके बैठे हैं, बड़े बड़े 28 ग्रह लोग लेके बैठे, 56 ग्रह लेके बैठे हुए हैं, तो बड़े बड़े सौर मंडल इसी में चल रहे हैं, छोटे भी सौर मंडल इसी में चल रहे हैं, विभिन्नता है इस ब्रह्मांड। मैं कंप्लीट ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ कि कंप्लीट ब्रह्मांड जो है वो एक रिक्त में बहुत गति से चल रहा है, उसे भी नियंत्रण किया जा रहा है। मतलब जो रिक्त स्थान है जी, वो ब्रह्मांड से बड़ा है। हाँ, रिक्त स्थान ये ब्रह्मांड से, ब्रह्मांड से रिक्त स्थान असीम है। उस असीम रिक्त में ये इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है, जिसे अनंत ब्रह्मांड बोलता है शास्त्र, अनंत कह के नाम लेता है, ये अनंत ब्रह्मांड उसमें चल रहा है। इसका मतलब ब्रह्मांड की भी सीमा है। हाँ, ब्रह्मांड अब अंडाकार में चल रहा है, अंडाकार में चल रहा है, उसकी सीमा है। हाँ, उसका अपना एक दायरा है, उसको है। उसको अगर बड़ी से बड़ी शक्ति, जैसे छोटी छोटी शक्ति एक अंडे को नियंत्रण कर रही, वही शक्ति बड़े से बड़ी चीज को कंट्रोल करती है, चाहे वो सुरक्षा कवच हो, चाहे वो अपने किसी नाम कोई दे दे, तो हमारे शरीर को भी वही करती है। हमारे शरीर में भी दो चीजें बाहर से हमें जो चीज दिखाई नहीं देती है, वो चीज है कि हम सीधे भी कंट्रोल होते हैं और अंडाकार में भी कंट्रोल होते हैं, अर्थात वो चित्र जो लेटी हुई जो चीज़ है, वो जिसे जीवात्मा कहते हैं, अगर हम उसे खड़ा कर दें तो वैसी सेम हो जाए कि अंडा वहाँ पे बैठा हुआ है और परमात्मा वहाँ पे ऊपर रुका हुआ है, तो वो खड़ी हुई पोजीशन है। तो खड़ी हुई पोजीशन को अगर, और अंडा लेटा हुआ है, तो ये अंडाकार जो आत्मा है वो लेटी बैठी हुई पोजीशन में है, और ये जो जीवात्मा लेटा, अगर हम इसे जीवात्मा को खड़ा कर दें तो बिल्कुल डिजाइन वही है जो डिजाइन ये आत्मा और परमात्मा मिलके बना रहे हैं दोनों। तो ये जो दोनों डिजाइन है, इसलिए जहाँ कहीं पर भी ये डिजाइन कोई एक बना रहे होते हैं, वहाँ पर जीव आत्मा भी उपलब्ध होती है। जैसे कि हम ये नहीं कह सकते, ऐसा कोई भी गणित नहीं है कि अगर किसी ने कहा होगा तो शायद गलत कहा होगा, कि जहाँ जीवात्मा है वहीं परमात्मा है, और जहाँ परमात्मा है वहीं पर आत्मा है। आत्मा उसकी फाउंडेशन है और परमात्मा उसकी नियंत्रण है, और जीवात्मा उसका बेस है, फाउंडेशन उसका वो है, फाउंडेशन आपने दोनों को बताया। फाउंडेशन जो जीवात्मा को हमने फाउंडेशन, इसलिए आत्मा को, हाँ वो मूल है, मूल वहाँ मौजूद रहेगा जहाँ पर किसी चीज के निर्माण होने के लिए फाउंडेशन जो बनाई जाएगी वो अंडाकार है। तो पहले से ही है, शाश्वत है वो। हाँ, उसको वो किसी ने बनाया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये तीनों चीजें किसी से बनती नहीं है, बनती नहीं, नहीं बनती वो नहीं है, सिस्टम में है। वो सिस्टम में है, मगर ये आत्मा और परमात्मा ये तीनों मिलकर के ये बना रहे हैं। जो चीज इन्होंने बनाई है वो जीव आत्मा की तरह बनाई है जी, मगर वो लेटी हुई है, ये खड़ी बना रहे हैं, दोनों में ये अंतर आ रहा है। तो ये अंतर खड़ी में और लेटी में अंतर, मतलब जीवात्मा को प्रभावित करके, जीवात्मा शक्ति से प्रभावित करके, जीवात्मा ही, जीवात्मा अपने ही अंगों से बनवा रही है, अपने अपने स्वरूप को बनवा रही है, अपने स्वरूप, और जहां उसका स्वरूप बन रहा है वहां पे वो तीनों अवेलेबल हैं। तो मूल आधार अगर देखा जाए बनने का, निर्माण होने का, तो वो अंडाकार है, और अंडाकार को अगर हम मूल अधिकार में देखें, इसे ब्लैक एनर्जी से, अंधकार से और अहम से जोड़ के देखें, तो अंडे में कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए वहाँ अंधकार है। तो अंडे, अंडा अंधकार से जो निर्मित हो रहा है, वो पहले अंधकार ही निर्मित होएगा, क्योंकि पॉइंट में कोई चीज लाई जाएगी तो वो पॉइंट में कोई चीज जब सूक्ष्म होती है तो वो अपने में छिपी हुई होती है, तो उसे अंधकार बोलते हैं। तो अंधकार में छिपी हुई, तो इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में जो 97 हमने बताई कि एनर्जी जो डार्क एनर्जी है, वो 97 ही डार्क एनर्जी है, और 3 हमने इसलिए परसेंट बताई क्योंकि ये मेथड है, ये एक फार्मूले से मैंने उठाया है कि ये 3 यहाँ स्थिति है, इनमें तीनों में ये ब्लैक है, तीनों ये निर्मित हो रही हैं। तो ये एक कैलकुलेशन जो लगाई गई है, ये शास्त्र भी वैसे ही लगाएगा, और हमने भी जो दृष्टि में देखा है वही आपके सामने मैंने बताया है, ऐसा मैंने देखा है, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कोई उठाया नहीं, मैंने देखा। अगर किसी को और कोई बात क्लियर करनी हो तो वेशक सत्येंद्र के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं कि इसमें क्या है, क्योंकि मैंने तो ये चीज़ देख करके मैं बता रहा हूँ।
तो मैं तो किसी भी सवाल का जवाब कैसा भी हो तो मैं तो किसी भी देने के लिए मेरे बनी रहती है कि मैं अपने बेस में जाके एक फार्मूले को देख के मैं जवाब दे सकता हूँ. तो ये स्थिति है. होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ परमात्मा आत्मा एंड जीवात्मा. इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट Mr. Sarmaji is saying about these concepts, please feel free to post any question, to ask any question. Thank you.